हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको द बुक ऑफ एली मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2010 की अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्टिक न्यू वेस्टर्न एक्शन फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। मई 2007 में कोलंबिया पिक्चर और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ने गैरी वीट की पटकथा पर आधारित द बुक ऑफ एली का निर्देशन करने के लिए ह्यूजर्स बंधुओं के साथ अनुबंध किया। इसके बाद एंथोनी पेखम ने पटकथा दोबारा लिखी और सितंबर 2008 में डेजल वाशिंगटन को मुख्य भूमिका मिली। अगले अक्टूबर में गैरी ओल्डमैन को वाशिंगटन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2009 में शुरू हुई और न्यू मैक्सिको में हुई। एल्कॉन एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वित्त पोषित किया और सिल्वर पिक्चर्स के साथ निर्मित किया। जटिल लड़ाई दृश्यों को कोरियोग्राफ किया, जिसमें अर्निस्ट की फिलिपिनो मार्शल आर्ट शामिल है। वाशिंगटन ने अपनी भूमिका के लिए डेन इनोसेंडो और इमांडा के साथ महीने तक प्रशिक्षण लिया। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 15 जनवरी 2010 में सिनेमाघर में एली की पुस्तक जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का संचालन समिट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता था। सोनी पिक्चर रिलीजिंग इंटरनेशनल द्वारा बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वितरण किया जाता था। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 15 जून 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में होम मीडिया डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर रिलीज की गई थी। तो चलिए फिर इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। बॉक्स ऑफिस, यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में 15 जनवरी 2010 को 3,111 सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके शुरुआती दिन में प्रति थिएटर में 11,06,72,970 डॉलर से 3,752 डॉलर की कमाई हुई। अपने शुरुआती 4 दिवसीय अवकाश सप्ताह के अंत तक इसने प्रति थिएटर में 38,47,553 डॉलर से 12,355 डॉलर की कमाई की। यह अवतार के बाद दूसरे नंबर पर है। अपने दूसरे सप्ताह में यह लीजन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है। प्रति थिएटर में 15,07,32,493 से 5,557 डॉलर की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह तक ये गिरकर पांचवें नंबर पर आ गए और प्रति थिएटर में 8,09,08,286 डॉलर से 2,897 डॉलर की कमाई हुई। फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 94,08,35,59 डॉलर में और अन्य बाजारों में 62,56,669 डॉलर की कमाई की है। साथ ही दुनिया भर में 80 मिलियन डॉलर की अनुमानित बजट से अधिक 1,57,91,718 की डॉलर की कमाई की है। आलोचनात्मक सक्रियता, समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटो को रिपोर्ट है कि 210 आलोचकों में से 47% ने फिल्म के सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.50 रेटिंग है। साइट की आम सहमति यह है कि यह निश्चित रूप से आसमान है और कई दर्शकों को लोग लगेगा कि इसकी पहुंच इसकी समझ से अधिक है। लेकिन द बुक ऑफ एली में यूजर्स बंधुओं ने कुछ ताज़ा स्टाइलिश मनोरंजन को पोस्ट एपोक्लिप लिक सेप्टिक बंजर भूमि लिख फिल्म देखने वाले को भी पर्याप्त से अधिक देखा है। हाल ही में 33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेट्राक्रिटिक एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर ने फिल्म को 100 में से 53 का प्रभावी औसत स्कोर दिया है, जो मिश्रित औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं।
डेंजल वाशिंगटन एज ई एली के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज बिल कार्नियज के रूप में, मिल कॉनिस एज सोलारा के रूप में, रे स्टीवेंसन एज रेडरिज के रूप में, जेनिफर बेल्स एज क्लोडिया के रूप में, इवेन जॉन्स एज मार्च के रूप में, जो किंगव्यू एज व्हाइट के रूप में, फ्रांसिस जिले टावर एज मार्था के रूप में, माइकल कैम्बॉन एज ग्रोज के रूप में, टॉम वाइट्स एज इंजीनियर के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग एज हाइजैक लीडर के रूप में, मालकॉम एम्सीडॉल एज लैम्बोर्डी के रूप में अनक्रेडिटेड। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं द हगस ब्रदर, लिखे हैं गैरी विटा और प्रोड्यूस किए हैं जोएल सिल्वर, डेंजल वाशिंगटन, ब्रॉडरिक जॉनसन, एंड्रयू ओकोशो, डेविड वेल्डर्स। और इसे स्टारिंग दी डेंजल वाशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला कुनीस, रे स्टीवेंसन, जेनिफर बेल्स, फ्रांसिस डी लिटॉर, माइकल गैम्बॉन। इसे सिनेमाटोग्राफी दी है डॉन ब्रूगेस और इसे डायरेक्ट किए हैं शिंडली मॉलो और इसे म्यूजिक दी है एंटिकस रोज, लियोपोल्ड रोज, क्लोडिया सर्म ने। और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है एलकॉन एंटरटेनमेंट सिल्वर पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर नॉर्थ अमेरिका, सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल। और इसका रिलीज डेट रहा January 15, 2010। रनिंग टाइम है 118 मिनट और ये बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157.1 मिलियन। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर में, रिश्तेदारों के साथ, उससे हमारी वीडियो का रीच बढ़ेगा, रीच बढ़ेगा तो इंप्रेशन बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा व्यू आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको द बुक ऑफ एली मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2010 की अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्टिक न्यू वेस्टर्न एक्शन फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। मई 2007 में कोलंबिया पिक्चर और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ने गैरी विट की पटकथा पर आधारित द बुक ऑफ एली का निर्देशन करने के लिए ह्यूजर्स बंधुओं के साथ अनुबंध किया। इसके बाद एंथोनी पेकहम ने पटकथा दोबारा लिखी और सितंबर 2008 में डेंजल वाशिंगटन को मुख्य भूमिका मिली। अगले अक्टूबर में गैरी ओल्डमैन को वाशिंगटन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2009 में शुरू हुई और न्यू मैक्सिको में हुई। एलकॉन एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वित्त पोषित किया और सिल्वर पिक्चर्स के साथ निर्मित किया। जिम ड इमाडा ने जटिल लड़ाई दृश्यों को कोरियोग्राफ किया जिसमें अर्निस्ट की फिलिपिनो मार्शल आर्ट शामिल है। वाशिंगटन ने अपनी भूमिका के लिए डेन इनोसेंडो और इमांडा के साथ महीने तक प्रशिक्षण लिया। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 15 जनवरी 2010 में सिनेमाघर में एली की पुस्तक जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का संचालन समिट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता था। सोनी पिक्चर रिलीजिंग इंटरनेशनल द्वारा बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वितरण किया जाता था। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 15 जून 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में होम मीडिया डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर रिलीज की गई थी। तो चलिए फिर इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। बॉक्स ऑफिस, यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में 15 जनवरी 2010 को 3,111 सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके शुरुआती दिन में प्रति थिएटर में 11,6,72,970 डॉलर से $3,752 की डॉलर की कमाई हुई। अपने शुरुआती 4 दिवसीय अवकाश सप्ताह के अंत तक इसने प्रति थिएटर में 38,47,553 डॉलर से $12,355 डॉलर की कमाई की। यह अवतार के बाद दूसरे नंबर पर है। अपने दूसरे सप्ताह में यह लीजन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है। प्रति थिएटर में 15,07,32,493 से $5,557 डॉलर की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह तक यह गिरकर पांचवें नंबर पर आ गए और प्रति थिएटर में 8,09,08,286 डॉलर से 2,897 डॉलर की कमाई हुई।
फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 94,08,35,059 डॉलर में और अन्य बाज़ारों में 62,56,656 डॉलर की कमाई की है। साथ ही दुनिया भर में 80 मिलियन डॉलर की अनुमानित बजट से अधिक 1,57,91,718 डॉलर की कमाई की है। आलोचनात्मक सक्रियता समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज को रिपोर्ट है कि 210 आलोचकों में से 47% ने फिल्म के सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.50 रेटिंग है। साइट की आम सहमति यह है कि यह निश्चित रूप से आसमान है और कई दर्शकों को लोग लगेगा कि इसकी पहुंच इसकी समझ से अधिक है। लेकिन द बुक ऑफ एली में यूजर्स बंधुओं ने कुछ ताज़ा स्टाइलिश मनोरंजन को पोस्ट एपोकैलिप्टिक सेप्टिक बंजर भूमि लिख फिल्म देखने वाले को भी पर्याप्त से अधिक देखा है। हाल ही में 33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेट्राक्रिटिक एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर ने फिल्म को 100 में से 53 का प्रभावी औसत स्कोर दिया है, जो मिश्रित औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डेंजल वाशिंगटन एज एली के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज बिल कार्नेज के रूप में, मिल कॉनिस एज लारा के रूप में, रे स्टीवेंसन एज रेडरिज के रूप में, जेनिफर वेल्स एज क्लोडिया के रूप में, इवन जॉन्स एज मार्च के रूप में, जो पिंग्यू एज होइट के रूप में, फ्रांसिस जिले टावर एज मार्था के रूप में, माइकल कैम्बॉन एज ग्रोज के रूप में, टॉम वेट्स एज इंजीनियर के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग एज हाईजैक लीडर के रूप में, मालकॉम एम्सिडॉल एज लैम्बोर्डी के रूप में अनक्रेडिटेड। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं द हगस ब्रदर, लिखे हैं गैरी वीटा और प्रोड्यूस किए हैं जोएल सिल्वर, डेंजल वाशिंगटन, ब्रॉडरिक जॉनसन, एंड्रयू कोशोव, डेविड वेल्डर्स और इसे स्टारिंग दी डेंजल वाशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला क्यूनियस, रे स्टीवेंसन, जेनिफर बेल्स, फ्रांसिस डी लिटॉर, माइकल गैम्बॉन। इसे सिनेमाटोग्राफी दी है डॉन ब्रूगेस और इसे डायरेक्ट किए हैं शिंडली मॉलो और इसे म्यूजिक दिए हैं एंटिकस रोज, लियोपोल्ड रोज, क्लोडियस सर्म ने और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है एल्कॉन एंटरटेनमेंट सिल्वर पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर नॉर्थ अमेरिका, सुमित एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा January 15, 2010। रनिंग टाइम है 118 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट्स में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है, जिसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157.1 मिलियन। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर में, रिश्तेदारों के साथ। उससे हमारी वीडियो का रीच बढ़ेगा तो इंप्रेशन बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा व्यू आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको द बुक ऑफ एली मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2010 की अमेरिकन पोस्ट एपोकैलिप्टिक न्यू वेस्टर्न एक्शन फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। मई 2007 में कोलंबिया पिक्चर और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ने गैरी वीट की पटकथा पर आधारित द बुक ऑफ एली का निर्देशन करने के लिए ह्यूजर्स बंधुओं के साथ अनुबंध किया। इसके बाद एंथोनी पेकहम ने पटकथा दोबारा लिखी और September 2008 में डेंजल वाशिंगटन को मुख्य भूमिका मिली। अगले अक्टूबर में गैरी ओल्डमैन को वाशिंगटन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। प्रमुख फोटोग्राफी February 2009 में शुरू हुई और न्यू मैक्सिको में हुई। एल्कॉन एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वित्त पोषित किया और सिल्वर पिक्चर्स के साथ सहनिर्मित किया। जटिल लड़ाई दृश्यों को कोरियोग्राफ किया, जिसमें अर्निश की फिलिप
क्वीनो मार्शल आर्ट शामिल है। वाशिंगटन ने अपनी भूमिका के लिए डेन इनोशेंडो और इमांडा के साथ महीने तक प्रशिक्षण लिया। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 15 जनवरी 2010 में सिनेमाघर में एली की पुस्तक जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का संचालन समिट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता था। सोनी पिक्चर रिलीजिंग इंटरनेशनल द्वारा बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वितरण किया जाता था। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 15 जून 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में होम मीडिया डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर रिलीज की गई थी। तो चलिए फिर इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। बॉक्स ऑफिस, यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में 15 जनवरी 2010 को 3,111 सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके शुरुआती दिन में प्रति थिएटर में 11,06,72,970 डॉलर से 3,752 डॉलर की कमाई हुई। अपने शुरुआती 4 दिवसीय अवकाश सप्ताह के अंत तक इसने प्रति थिएटर में 38,04,37,553 डॉलर से 12,355 डॉलर की कमाई की। यह अवतार के बाद दूसरे नंबर पर है। अपने दूसरे सप्ताह में यह लीजन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है। प्रति थिएटर में 15,07,32,493 से 5,557 डॉलर की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह तक यह गिरकर पाँचवें नंबर पर आ गए और प्रति थिएटर में 8,09,08,286 डॉलर से 2,897 डॉलर की कमाई हुई। फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 94,08,35,059 डॉलर में और अन्य बाजारों में 62,56,659 डॉलर की कमाई की है। साथ ही दुनिया भर में 80 मिलियन डॉलर की अनुमानित बजट से अधिक 1,57,91,718 की डॉलर की कमाई की है। आलोचनात्मक सक्रियता, समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज को रिपोर्ट है कि 210 आलोचकों में से 47% ने फिल्म के सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.50 रेटिंग है। साइट की आम सहमति यह है कि यह निश्चित रूप से आसमान है और कई दर्शकों को लोग लगेगा कि इसकी पहुंच इसकी समझ से अधिक है। लेकिन द बुक ऑफ एली में यूजर्स बंधुओं ने कुछ ताज़ा स्टाइलिश मनोरंजन को पोस्ट एपोकैलिप्टिक सेप्टिक बंजर भूमि लिख फिल्म देखने वाले को पर्याप्त से अधिक देखा है। हाल ही में 33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेट्राक्रिटिक एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर ने फिल्म को 100 में से 53 का प्रभावी औसत स्कोर दिया है, जो मिश्रित औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डेंजल वाशिंगटन एज ई एली के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज बिल कार्नेज के रूप में, मिल कॉनिस एज सोलारा के रूप में, रे स्टीवेंसन एज रेडरिज के रूप में, जेनिफर बेल्स एज क्लोडिया के रूप में, इवन जॉन्स एज मार्च के रूप में, जो पिंग्यू एज होइट के रूप में, फ्रांसिस जिले टावर एज मार्था के रूप में, माइकल कैम्बॉन एज ग्रोज के रूप में, टॉम वाइट्स एज इंजीनियर के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग एज हाईजेक लीडर के रूप में, मालकोम एम्सिडोल एज लैम्बोर्डी के रूप में अनक्रेडिटेड। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं द हजस ब्रदर, लिखे हैं गैरी विटा और प्रोड्यूस किए हैं जोएल सिल्वर, डेंजल वाशिंगटन, ब्रॉडरिक जॉनसन, एंड्रयू अकोशोव, डेविड वेल्डर्स और इसे स्टारिंग डेंजल वाशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला
क्यूनियस, रे स्टीवेंसन, जेनिफर बेल्स, फ्रेंसिस डी लिटोर, माइकल गैम्बोर्न। इससे सिनेमाटोग्राफी दी है डॉन ब्रूगेस, और इसे डेट किए हैं सिंडली मॉलो, और इसे म्यूजिक दी है एंटिकस रोज, लियोपोल्ड रोज, क्लोडियस सर्म ने, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है एलकॉन एंटरटेनमेंट सिल्वर पिक्चर, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर नॉर्थ अमेरिका, सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल, और इसका रिलीज डेट रहा January 15, 2010। रनिंग टाइम है 118 मिनट, और ये बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसका बजट है $80 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157.1 मिलियन। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर में, रिश्तेदारों के साथ। उससे हमारी वीडियो का रीच बढ़ेगा, और रीच बढ़ेगा तो इंप्रेशन बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा व्यू बढ़ेगा आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको द बुक ऑफ एली मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2010 की अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्टिक न्यू वेस्टर्न एक्शन फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। मई 2007 में कोलंबिया पिक्चर और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ने गैरी वीट की पटकथा पर आधारित द बुक ऑफ एली का निर्देशन करने के लिए ह्यूजर्स बंधुओं के साथ अनुबंध किया। इसके बाद एंथोनी पेकहम ने पटकथा दोबारा लिखी, और सितंबर 2008 में डेजल वाशिंगटन को मुख्य भूमिका मिली। अगले अक्टूबर में गैरी ओल्डमैन को वाशिंगटन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2009 में शुरू हुई और न्यू मैक्सिको में हुई। एलकॉन एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वित्त पोषित किया और सिल्वर पिक्चर्स के साथ सहनिर्मित किया। जिम द इमाडा ने जटिल लड़ाई दृश्यों को कोरियोग्राफ किया, जिसमें अर्निस्ट की फिलिपिनो मार्शल आर्ट शामिल है। वाशिंगटन ने अपनी भूमिका के लिए डेन इनोसेंडो और इमांडा के साथ महीने तक प्रशिक्षण लिया। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 15 जनवरी 2010 में सिनेमाघर में एली की पुस्तक जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का संचालन समिट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता था। सोनी पिक्चर रिलीजिंग इंटरनेशनल द्वारा बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वितरण किया जाता था। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 15 जून 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में होम मीडिया डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर रिलीज की गई थी। तो चलिए फिर इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। बॉक्स ऑफिस, यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में 15 जनवरी 2010 को 3,111 सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके शुरुआती दिन में प्रति थिएटर में 11,06,72,970 डॉलर से $3,752 के डॉलर की कमाई हुई। अपने शुरुआती 4 दिवसीय अवकाश सप्ताह के अंत तक इसने प्रति थिएटर में 38,04,37,553 डॉलर से $12,355 डॉलर की कमाई की। यह अवतार के बाद दूसरे नंबर पर है। अपने दूसरे सप्ताह में यह लीजन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है। प्रति थिएटर में 15,07,32,493 से $5,557 डॉलर की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह तक यह गिरकर 5वें नंबर पर आ गए और प्रति थिएटर में 8,09,08,286 डॉलर से $2,897 डॉलर की कमाई हुई। फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 94,08,35,059 डॉलर में और अन्य बाजारों में 62,56,659 डॉलर की कमाई की है। साथ ही दुनिया भर में 80 मिलियन डॉलर की अनुमानित बजट से अधिक 1,57,91,718 डॉलर की कमाई की है। आलोचनात्मक सक्रियता, समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज को रिपोर्ट है कि 210 आलोचकों में से 47% ने फिल्म के सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5
5.0 रेटिंग है। साइट की आम सहमति यह है कि यह निश्चित रूप से आसमान है और कई दर्शकों को लोग लगेगा कि इसकी पहुंच इसकी समझ से अधिक है। लेकिन द बुक ऑफ एली में यूजर्स बंधुओं ने कुछ ताज़ा स्टाइलिश मनोरंजन को पोस्ट एपोकैलिप्टिक सेप्टिक बंजर भूमि लिख फिल्म देखने वाले को भी पर्याप्त से अधिक देखा है। हाल ही में 33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेट्राक्रिटिक एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर ने फिल्म को 100 में से 53 का प्रभावी औसत स्कोर दिया है, जो मिश्रित औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डेंजल वाशिंगटन एज ई एली के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज बिल कार्नेज के रूप में, मिल कॉनिस एज लारा के रूप में, रे स्टीवेंसन एज रेडरिज के रूप में, जेनिफर बेल्स एज क्लोडिया के रूप में, इवन जॉन्स एज मार्च के रूप में, जो पिंग्यू एज होइट के रूप में, फ्रांसिस जिले टावर एज मार्था के रूप में, माइकल कैम्बॉन एज ग्रोज के रूप में, टॉम वाइट्स एज इंजीनियर के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग एज हाईजैक लीडर के रूप में, मालकॉम एम्सीडोर एज लैम्बोर्डी के रूप में अनक्रेडिटेड। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं द हजस ब्रदर, लिखे हैं गैरी वीटा और प्रोड्यूस किए हैं जोएल सिल्वर, डेंजल वाशिंगटन, ब्रॉडरिक जॉनसन, एंड्रयू कोशोव, डेविड वेल्डर्स, और इसे स्टारिंग दी डेंजल वाशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला क्यूनियस, रे स्टीवेंसन, जेनिफर बेल्स, फ्रांसिस डेली टावर, माइकल गैम्बॉन। इसे सिनेमाटोग्राफी दी है डॉन ब्रूगेस और इसे डायरेक्ट किए हैं शिंडली मॉलो और इसे म्यूजिक दिए हैं एंटिकस रोज, लियोपोल्ड रोज, क्लोडियस सरने, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है एलकॉन एंटरटेनमेंट सिल्वर पिक्चर, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर नॉर्थ अमेरिका, सुमित एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल, और इसका रिलीज डेट रहा January 15, 2010। रनिंग टाइम है 118 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट्स में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है, जिसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157.1 मिलियन। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर में, रिश्तेदारों के साथ, उससे हमारी वीडियो का रीच बढ़ेगा तो इंप्रेशन बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा व्यू बढ़ेगा आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको द बुक ऑफ एली मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2010 की अमेरिकन पोस्ट एपोकैलिप्टिक न्यू वेस्टर्न एक्शन फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। मई 2007 में कोलंबिया पिक्चर और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ने गैरी वीट की पटकथा पर आधारित द बुक ऑफ एली का निर्देशन करने के लिए ह्यूजर्स बंधुओं के साथ अनुबंध किया। इसके बाद एंथोनी पेकहम ने पटकथा दोबारा लिखी और सितंबर 2008 में डेंजल वाशिंगटन को मुख्य भूमिका मिली। अगले अक्टूबर में गैरी ओल्डमैन को वाशिंगटन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2009 में शुरू हुई और न्यू मैक्सिको में हुई। एलकॉन एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वित्त पोषित किया और सिल्वर पिक्चर्स के साथ सहनिर्मित किया। जटिल लड़ाई दृश्यों को कोरियोग्राफ किया, जिसमें अर्निस्ट की फिलिप क्वीनो मार्शल आर्ट शामिल है। वाशिंगटन ने अपनी भूमिका के लिए डेन इनोसेंडो और इमांडा के साथ महीने तक प्रशिक्षण लिया। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 15 जनवरी 2010 में सिनेमाघर में एली की पुस्तक जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का संचालन समिट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता था। सोनी पिक्चर रिलीजिंग इंटरनेशनल द्वारा बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वितरण किया जाता था। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 15 जून 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में होम मीडिया डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर रिलीज की गई थी। तो चलिए फिर इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में
हम जान लेते हैं। बॉक्स ऑफिस, यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में 15 जनवरी 2010 को 3,111 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसके शुरुआती दिन में प्रति थिएटर में 11,6,72,970 डॉलर से 3,752 डॉलर की कमाई हुई। अपने शुरुआती 4 दिवसीय अवकाश सप्ताह के अंत तक इसने प्रति थिएटर में 38,47,553 डॉलर से 12,355 डॉलर की कमाई की। यह अवतार के बाद दूसरे नंबर पर है। अपने दूसरे सप्ताह में यह लीजन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है। प्रति थिएटर में 15,07,32,493 से 5,557 डॉलर की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह तक यह गिरकर 5वें नंबर पर आ गए और प्रति थिएटर में 8,09,08,286 डॉलर से 2,897 डॉलर की कमाई हुई। फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 94,08,35,059 डॉलर और अन्य बाजारों में 62,56,656 डॉलर की कमाई की है। साथ ही दुनिया भर में 80 मिलियन डॉलर की अनुमानित बजट से अधिक 1,57,91,718 डॉलर की कमाई की है। आलोचनात्मक स्वीकृति, समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज को रिपोर्ट है कि 210 आलोचकों में से 47% ने फिल्म के सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.50 रेटिंग है। साइट की आम सहमति यह है कि यह निश्चित रूप से आसमान है और कई दर्शकों को लोग लगेगा कि इसकी पहुंच इसकी समझ से अधिक है। लेकिन द बुक ऑफ एली में यूजर्स बंधुओं ने कुछ ताज़ा स्टाइलिश मनोरंजन को पोस्ट एपोकैलिप्टिक सेप्टिक बंजर भूमि लिख फिल्म देखने वाले को भी पर्याप्त से अधिक देखा है। हाल ही में 33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेट्राक्रिटिक एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर ने फिल्म को 100 में से 53 का प्रभावी औसत स्कोर दिया है, जो मिश्रित औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डेंजल वाशिंगटन एज ई एली के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज बिल कार्नेज के रूप में, मिल कॉनिस एज लारा के रूप में, रे स्टीवेंसन एज रेडरिज के रूप में, जेनिफर वेल्स एज क्लोडिया के रूप में, इवन जॉन्स एज मार्च के रूप में, जो पिंग्यू एज होइट के रूप में, फ्रांसिस जिले टावर एज मार्था के रूप में, माइकल कैम्बॉन एज ग्रोज के रूप में, टॉम वाइट्स एज इंजीनियर के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग एज हाईजेक लीडर के रूप में, मालकॉम एम्सिडॉल एज लैम्बोर्डी के रूप में अनक्रेडिटेड। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं द हगस ब्रदर, लिखे हैं गैरी विटा और प्रोड्यूस किए हैं जोएल सिल्वर, डेंजल वाशिंगटन, ब्रॉडरिक जॉनसन, एंड्रयू कोशोव, डेविड वेल्डर्स और इसे स्टारिंग दी डेंजल वाशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला क्यूनियस, रे स्टीवेंसन, जेनिफर बेल्स, फ्रांसिस डी लिटॉर, माइकल गैम्बोर्न। इसे सिनेमाटोग्राफी दी है डॉन ब्रूगेस और इसे डायरेक्ट किए हैं सिंडली मोलो और इसे म्यूजिक दिए हैं एंटिकस रोज, लियोपोल्ड रोज, क्लोडिया सर्म ने और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है एल्कोन एंटरटेनमेंट सिल्वर पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर नॉर्थ अमेरिका, सुमित एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा January 15, 2010। रनिंग टाइम है 118 मिनट और ये में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है, जिसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157.1 मिलियन। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर में, रिश्तेदारों के साथ। उससे हमारी वीडियो का रीच बढ़ेगा और रीच बढ़ेगा तो इंप्रेशन बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा व्यू बढ़ेगा आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।
हेलो फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम आपको द बुक ऑफ एली मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2010 की अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्टिक न्यू वेस्टर्न एक्शन फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। मई 2007 में कोलंबिया पिक्चर और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ने गैरी वीट की पटकथा पर आधारित द बुक ऑफ एली का निर्देशन करने के लिए ह्यूजर्स बंधुओं के साथ अनुबंध किया। इसके बाद एंथोनी पेखम ने पटकथा दोबारा लिखी और सितंबर 2008 में डेजल वाशिंगटन को मुख्य भूमिका मिली। अगले अक्टूबर में गैरी ओल्डमैन को वाशिंगटन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2009 में शुरू हुई और न्यू मैक्सिको में हुई। एल्कॉन एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वित्त पोषित किया और सिल्वर पिक्चर्स के साथ निर्मित किया। जटिल लड़ाई दृश्यों को कोरियोग्राफ किया जिसमें अर्निस्ट की फिलिपिनो मार्शल आर्ट शामिल है। वाशिंगटन ने अपनी भूमिका के लिए डेन इनोशेंडो और इमांडा के साथ महीने तक प्रशिक्षण लिया। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 15 जनवरी 2010 में सिनेमाघर में एली की पुस्तक जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का संचालन समिट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता था। सोनी पिक्चर रिलीजिंग इंटरनेशनल द्वारा बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वितरण किया जाता था। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 15 जून 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में होम मीडिया डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर रिलीज की गई थी। तो चलिए फिर इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। बॉक्स ऑफिस, यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में 15 जनवरी 2010 को 3,111 सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके शुरुआती दिन में प्रति थिएटर में 11,06,72,970 डॉलर से 3,752 डॉलर की कमाई हुई। अपने शुरुआती 4 दिवसीय अवकाश सप्ताह के अंत तक इसने प्रति थिएटर में 38,47,553 डॉलर से 12,355 डॉलर की कमाई की। यह अवतार के बाद दूसरे नंबर पर है। अपने दूसरे सप्ताह में यह लीजन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है। प्रति थिएटर में 15,07,32,493 से 5,557 डॉलर की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह तक यह गिरकर 5वें नंबर पर आ गए और प्रति थिएटर में 8,09,08,286 डॉलर से 2,897 डॉलर की कमाई हुई। फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 94,08,35,59 डॉलर में और अन्य बाज़ारों में 62,56,659 डॉलर की कमाई की है। साथ ही दुनिया भर में 80 मिलियन डॉलर की अनुमानित बजट से अधिक 1,57,91,718 डॉलर की कमाई की है। आलोचनात्मक सक्रियता, समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज को रिपोर्ट है कि 210 आलोचकों में से 47% ने फिल्म के सकारात्मक समीक्षा दी है जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.50 रेटिंग है। साइट की आम सहमति यह है कि यह निश्चित रूप से आसमान है और कई दर्शकों को लोग लगेगा कि इसकी पहुंच इसकी समझ से अधिक है। लेकिन द बुक ऑफ एली में यूजर्स बंधुओं ने कुछ ताज़ा स्टाइलिश मनोरंजन को पोस्ट एपोकलिप्टिक सेप्टिक बंजर भूमि लिख फिल्म देखने वाले को भी पर्याप्त से अधिक देखा है। हाल ही में 33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेट्राक्रिटिक एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर ने फिल्म को 100 में से 53 का प्रभावी औसत स्कोर दिया है जो मिश्रित औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं।
डेंजल वाशिंगटन एज ई एली के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज बिल कार्नेज के रूप में, मिल कॉनिस एज सोलारा के रूप में, रे स्टीवेंसन एज रेडरिज के रूप में, जेनिफर वेल्स एज क्लोडिया के रूप में, इवेन जॉन्स एज मार्च के रूप में, जो पिंग्यू एज व्हाइट के रूप में, फ्रांसिस जिले टावर एज मार्था के रूप में, माइकल कैम्बॉन एज ग्रोज के रूप में, टॉम वाइट्स एज इंजीनियर के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग एज हाइजैक लीडर के रूप में, मालकॉम एम्सीडॉल एज लैम्बोर्डी के रूप में अनक्रेडिटेड। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं द हजर्स ब्रदर, लिखे हैं गैरी विटा और प्रोड्यूस किए हैं जोएल सिल्वर, डेंजल वाशिंगटन, ब्रॉडरिक जॉनसन, एंड्रयू अकोशो, डेविड वेल्डर्स। और इसे स्टारिंग दी डेंजल वाशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला कुनियुस, रे स्टीवेंसन, जेनिफर बेल्स, फ्रांसिस डी लिटॉर, माइकल गैम्बॉन। इसे सिनेमाटोग्राफी दी है डॉन ब्रूगेस और इसे डायरेक्ट किए हैं सिंडली मोलो और इसे म्यूजिक दी है एंटिकस रोज, लियोपोल्ड रोज, क्लोडिया सर्म ने, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है एलकॉन एंटरटेनमेंट सिल्वर पिक्चर, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर नॉर्थ अमेरिका, सुमित एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल, और इसका रिलीज डेट रहा January 15, 2010। रनिंग टाइम है 118 मिनट और ये में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157.1 मिलियन। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर में, रिश्तेदारों के साथ, उससे हमारी वीडियो का रीच बढ़ेगा और रीच बढ़ेगा तो इंप्रेशन बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा व्यू बढ़ेगा आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको द बुक ऑफ एली मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2010 की अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्टिक न्यू वेस्टर्न एक्शन फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। मई 2007 में कोलंबिया पिक्चर और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ने गैरी विट की पटकथा पर आधारित द बुक ऑफ एली का निर्देशन करने के लिए ह्यूजर्स बंधुओं के साथ अनुबंध किया। इसके बाद एंथोनी पेकहम ने पटकथा दोबारा लिखी और September 2008 में डेजल वाशिंगटन को मुख्य भूमिका मिली। अगले अक्टूबर में गैरी ओल्डमैन को वाशिंगटन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। प्रमुख फोटोग्राफी February 2009 में शुरू हुई और न्यू मैक्सिको में हुई। एलकॉन एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वित्त पोषित किया और सिल्वर पिक्चर्स के साथ सहनिर्मित किया। जिम द इमाडा ने जटिल लड़ाई दृश्यों को कोरियोग्राफ किया जिसमें अर्निस्ट की फिलिप क्वीनो मार्शल आर्ट शामिल है। वाशिंगटन ने अपनी भूमिका के लिए डेन इनोसेंडो और इमांडा के साथ महीने तक प्रशिक्षण लिया। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 15 जनवरी 2010 में सिनेमाघर में एली की पुस्तक जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का संचालन समिट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता था। सोनी पिक्चर रिलीजिंग इंटरनेशनल द्वारा बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वितरण किया जाता था। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 15 जून 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में होम मीडिया डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर रिलीज की गई थी। तो चलिए फिर इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। बॉक्स ऑफिस, यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में 15 जनवरी 2010 को 3,111 सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके शुरुआती दिन में प्रति थिएटर में 11,6,72,970 डॉलर से $3,752 की कमाई हुई। अपने शुरुआती 4 दिवसीय अवकाश सप्ताह के अंत तक इसने प्रति थिएटर में 38,47,553 डॉलर से $12,355 की कमाई की। यह अवतार के बाद दूसरे नंबर पर है। अपने दूसरे सप्ताह में यह लीजन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है। प्रति थिएटर में 15,07,32,493 से $5,557 की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह तक यह गिरकर 5वें नंबर पर आ गए और प्रति थिएटर में 8,09,08,286 डॉलर से
$2,897 की कमाई हुई। फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 94,08,35,059 और अन्य बाजारों में 62,56,656 की कमाई की है। साथ ही दुनिया भर में $80 मिलियन की अनुमानित बजट से अधिक 1,57,91,718 की कमाई की है। आलोचनात्मक स्वीकृति। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज को रिपोर्ट है कि 210 आलोचकों में से 47% ने फिल्म के सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.50 रेटिंग है। साइट की आम सहमति यह है कि यह निश्चित रूप से आसमान है और कई दर्शकों को लोग लगेगा कि इसकी पहुंच इसकी समझ से अधिक है। लेकिन द बुक ऑफ एली में यूजर्स बंधुओं ने कुछ ताज़ा स्टाइलिश मनोरंजन को पोस्ट एपोकैलिप्टिक सेप्टिक बंजर भूमि लिख फिल्म देखने वाले को भी पर्याप्त से अधिक देखा है। हाल ही में 33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेट्राक्रिटिक एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर ने फिल्म को 100 में से 53 का प्रभावी औसत स्कोर दिया है, जो मिश्रित औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डेंजल वाशिंगटन एज ई एली के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज बिल कार्नियज के रूप में, मिल कॉनिस एज लारा के रूप में, रे स्टीवेंसन एज रेडरिज के रूप में, जेनिफर बेल्स एज क्लोडिया के रूप में, इवन जॉन्स एज मार्च के रूप में, जो पिंग्यू एज होइट के रूप में, फ्रांसिस जिले टावर एज मार्था के रूप में, माइकल कैम्बॉन एज ग्रोज के रूप में, टॉम वेट्स एज इंजीनियर के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग एज हाईजैक लीडर के रूप में, मालकॉम एम्सिडॉल एज लैम्बोर्डी के रूप में अनक्रेडिटेड। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं द हगस ब्रदर, लिखे हैं गैरी विटा और प्रोड्यूस किए हैं जोएल सिल्वर, डेंजल वाशिंगटन, ब्रॉडरिक जॉनसन, एंड्रयू कोशोव, डेविड वेल्डर्स और इसे स्टारिंग दी डेंजल वाशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला क्यूनियस, रे स्टीवेंसन, जेनिफर बेल्स, फ्रांसिस डी लिटॉर, माइकल गैम्बोर्न। इसे सिनेमाटोग्राफी दी है डॉन ब्रूगेस और इसे डायरेक्ट किए हैं शिंडली मोलो और इसे म्यूजिक दिए हैं एंटिकस रोज, लियोपोल्ड रोज, क्लोडियस सर्म ने और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है एल्कॉन एंटरटेनमेंट सिल्वर पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर नॉर्थ अमेरिका, सुमित एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा January 15, 2010। रनिंग टाइम है 118 मिनट और ये में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है, जिसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157.1 मिलियन। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर में, रिश्तेदारों के साथ। उससे हमारी वीडियो का रीच बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा व्यू बढ़ेगा आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको द बुक ऑफ एली मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2010 की अमेरिकन पोस्ट एपोकैलिप्टिक न्यू वेस्टर्न एक्शन फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। मई 2007 में कोलंबिया पिक्चर और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ने गैरी विट की पटकथा पर आधारित द बुक ऑफ एली का निर्देशन करने के लिए ह्यूजर्स बंधुओं के साथ अनुबंध किया। इसके बाद एंथोनी पेखम ने पटकथा दोबारा लिखी और सितंबर 2008 में डेंजल वाशिंगटन को मुख्य भूमिका मिली। अगले अक्टूबर में गैरी ओल्डमैन को वाशिंगटन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2009 में शुरू हुई और न्यू मैक्सिको में हुई। एल्कॉन एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वित्त पोषित किया और सिल्वर पिक्चर्स के साथ सहनिर्मित किया। जटिल लड़ाई दृश्यों को कोरियोग्राफ किया, जिसमें अर्निस्ट की फिलिप क्विनो मार्शल आर्ट शामिल है। वाशिंगटन ने अपनी भूमिका के लिए डेन
इनोसेंडो और इमांडा के साथ महीने तक प्रशिक्षण लिया। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 15 जनवरी 2010 में सिनेमाघर में एली की पुस्तक जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का संचालन समिट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता था। सोनी पिक्चर रिलीजिंग इंटरनेशनल द्वारा बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वितरण किया जाता था। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 15 जून 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में होम मीडिया डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर रिलीज की गई थी। तो चलिए फिर इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। बॉक्स ऑफिस, यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में 15 जनवरी 2010 को 3,111 सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके शुरुआती दिन में प्रति थिएटर में 11,06,72,970 डॉलर से 3,752 डॉलर की कमाई हुई। अपने शुरुआती 4 दिवसीय अवकाश सप्ताह के अंत तक इसने प्रति थिएटर में 38,04,37,553 डॉलर से 12,355 डॉलर की कमाई की। यह अवतार के बाद दूसरे नंबर पर है। अपने दूसरे सप्ताह में यह लीजन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है। प्रति थिएटर में 15,07,32,493 से 5,557 डॉलर की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह तक यह गिरकर 5वें नंबर पर आ गए और प्रति थिएटर में 8,09,08,286 डॉलर से 2,897 डॉलर की कमाई हुई। फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 94,08,35,059 डॉलर में और अन्य बाज़ारों में 62,56,659 डॉलर की कमाई की है। साथ ही दुनिया भर में 80 मिलियन डॉलर की अनुमानित बजट से अधिक 1,57,91,718 की डॉलर की कमाई की है। आलोचनात्मक क्रियाता समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटो को रिपोर्ट है कि 210 आलोचकों में से 47% ने फिल्म के सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.50 रेटिंग है। साइट की आम सहमति यह है कि यह निश्चित रूप से आसमान है और कई दर्शकों को लोग लगेगा कि इसकी पहुंच इसकी समझ से अधिक है। लेकिन द बुक ऑफ एली में ह्यूजेस बंधुओं ने कुछ ताज़ा स्टाइलिश मनोरंजन को पोस्ट एपोकलिप्टिक सेप्टिक बंजर भूमि लिख फिल्म देखने वाले को भी पर्याप्त से अधिक देखा है। हाल ही में 33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेट्राक्रिटिक एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर ने फिल्म को 100 में से 53 का प्रभावी औसत स्कोर दिया है, जो मिश्रित औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डेंजल वाशिंगटन एज ई एली के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज बिल कार्नेज के रूप में, मिल कॉनिस एज सोलारा के रूप में, रे स्टीवेंसन एज रेडरिज के रूप में, जेनिफर वेल्स एज क्लोडिया के रूप में, इवन जॉन्स एज मार्च के रूप में, जो पिंग्यू एज होइट के रूप में, फ्रांसिस जिले टावर एज मार्था के रूप में, माइकल कैम्बॉन एज ग्रोज के रूप में, टॉम वेट्स एज इंजीनियर के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग एज हाईजेक लीडर के रूप में, मालकॉम एम्सिडॉल एज लैम्बोर्डी के रूप में अनक्रेडिटेड। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं द हजस ब्रदर, लिखे हैं गैरी विटा और प्रोड्यूस किए हैं जोएल सिल्वर, डेंजल वाशिंगटन, ब्रॉडरिक जॉनसन, एंड्रयू ओकोशो, डेविड वेल्डर्स और इसे स्टारिंग डेंजल वाशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला
क्यूनियस, रे स्टीवनसन, जेनिफर बेल्स, फ्रांसिस डी लिट और माइकल गैम्बोर्न। इससे सिनेमाटोग्राफी दी है डॉन ब्रूगेस और इसे डेट किए हैं सिंडली मॉलो और इसे म्यूजिक दी है एंटिकस रोज, लियोपोल्ड रोज, क्लोडियस सर्म ने और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है एलकॉन एंटरटेनमेंट सिल्वर पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर नॉर्थ अमेरिका सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा January 15, 2010। रनिंग टाइम है 118 मिनट और ये बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157.1 मिलियन। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर में, रिश्तेदारों के साथ, उससे हमारी वीडियो का रीच बढ़ेगा और रीच बढ़ेगा तो इंप्रेशन बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा व्यू बढ़ आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको द बुक ऑफ एली मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2010 की अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्टिक न्यू वेस्टर्न एक्शन फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। मई 2007 में कोलंबिया पिक्चर और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ने गैरी वीट की पटकथा पर आधारित द बुक ऑफ एली का निर्देशन करने के लिए ह्यूजर्स बंधुओं के साथ अनुबंध किया। इसके बाद एंथोनी पेकहम ने पटकथा दोबारा लिखी और सितंबर 2008 में डेजल वाशिंगटन को मुख्य भूमिका मिली। अगले अक्टूबर में गैरी ओल्डमैन को वाशिंगटन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2009 में शुरू हुई और न्यू मैक्सिको में हुई। एलकॉन एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वित्त पोषित किया और सिल्वर पिक्चर्स के साथ सह निर्मित किया। जिम द इमाडा ने जटिल लड़ाई दृश्यों को कोरियोग्राफ किया जिसमें अर्निस्ट की फिलिप क्वीनो मार्शल आर्ट शामिल है। वाशिंगटन ने अपनी भूमिका के लिए डेन इनोसेंडो और इमांडा के साथ महीने तक प्रशिक्षण लिया। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 15 जनवरी 2010 में सिनेमाघर में एली की पुस्तक जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का संचालन समिट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता था। सोनी पिक्चर रिलीजिंग इंटरनेशनल द्वारा बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वितरण किया जाता था। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 15 जून 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में होम मीडिया डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर रिलीज की गई थी। तो चलिए फिर इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। बॉक्स ऑफिस, यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में 15 जनवरी 2010 को 3,111 सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके शुरुआती दिन में प्रति थिएटर में 11,6,72,970 डॉलर से $3,752 के डॉलर की कमाई हुई। अपने शुरुआती 4 दिवसीय अवकाश सप्ताह के अंत तक इसने प्रति थिएटर में 38,47,553 डॉलर से $12,355 डॉलर की कमाई की। यह अवतार के बाद दूसरे नंबर पर है। अपने दूसरे सप्ताह में यह लीजन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है। प्रति थिएटर में 15,07,32,493 से $5,557 डॉलर की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह तक यह गिरकर 5वें नंबर पर आ गए और प्रति थिएटर में 8,09,08,286 डॉलर से $2,897 डॉलर की कमाई हुई। फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 94,08,35,059 डॉलर में और अन्य बाजारों में 62,56,659 डॉलर की कमाई की है। साथ ही दुनिया भर में 80 मिलियन डॉलर की अनुमानित बजट से अधिक 1,57,91,718 की डॉलर की कमाई की है। आलोचनात्मक सक्रियता, समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज को रिपोर्ट है कि 210 आलोचकों में से 47% ने फिल्म के सकारात्मक समीक्षा दी है जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5
5.0 रेटिंग है। साइट की आम सहमति यह है कि यह निश्चित रूप से आसमान है और कई दर्शकों को लोग लगेगा कि इसकी पहुंच इसकी समझ से अधिक है। लेकिन द बुक ऑफ एली में यूजर्स बंधुओं ने कुछ ताज़ा स्टाइलिश मनोरंजन को पोस्ट एपोकैलिप्टिक सेप्टिक बंजर भूमि लिख फिल्म देखने वाले को भी पर्याप्त से अधिक देखा है। हाल ही में 33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेट्राक्रिटिक एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर ने फिल्म को 100 में से 53 का प्रभावी औसत स्कोर दिया है, जो मिश्रित औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डेंजल वाशिंगटन एज ई एली के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज बिल कार्नेज के रूप में, मिल कॉनिस एज लारा के रूप में, रे स्टीवेंसन एज रेडरिज के रूप में, जेनिफर बेल्स एज क्लोडिया के रूप में, इवन जॉन्स एज मार्च के रूप में, जो पिंग्यू एज होइट के रूप में, फ्रांसिस जिले टावर एज मार्था के रूप में, माइकल कैम्बॉन एज ग्रोज के रूप में, टॉम वेट्स एज इंजीनियर के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग एज हाईजैक लीडर के रूप में, मालकॉम एम्सीडॉल एज लैम्बोर्डी के रूप में अनक्रेडिटेड। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं द हजस ब्रदर, लिखे हैं गैरी वीटा और प्रोड्यूस किए हैं जोएल सिल्वर, डेंजल वाशिंगटन, ब्रॉडरिक जॉनसन, एंड्रयू कोशोव, डेविड वेल्डर्स और इसे स्टारिंग दी डेंजल वाशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला क्यूनियस, रे स्टीवेंसन, जेनिफर बेल्स, फ्रांसिस डी लिटॉर, माइकल गैम्बॉन। इसे सिनेमाटोग्राफी दी है डॉन ब्रूगेस और इसे डायरेक्ट किए हैं शिंडली मॉलो और इसे म्यूजिक दिए हैं एंटिकस रोज, लियोपोल्ड रोज, क्लोडियस सर्म ने और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है एल्कॉन एंटरटेनमेंट सिल्वर पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर नॉर्थ अमेरिका, सुमित एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा January 15, 2010। रनिंग टाइम है 118 मिनट और ये यूनाइटेड स्टेट्स में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157.1 मिलियन। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर में, रिश्तेदारों के साथ, उससे हमारी वीडियो का रीच बढ़ेगा तो इंप्रेशन बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा व्यू आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको द बुक ऑफ एली मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2010 की अमेरिकन पोस्ट एपोकैलिप्टिक न्यू वेस्टर्न एक्शन फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। मई 2007 में कोलंबिया पिक्चर और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ने गैरी वीट की पटकथा पर आधारित द बुक ऑफ एली का निर्देशन करने के लिए ह्यूजर्स बंधुओं के साथ अनुबंध किया। इसके बाद एंथोनी पेकहम ने पटकथा दोबारा लिखी और सितंबर 2008 में डेंजल वाशिंगटन को मुख्य भूमिका मिली। अगले अक्टूबर में गैरी ओल्डमैन को वाशिंगटन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2009 में शुरू हुई और न्यू मैक्सिको में हुई। एल्कॉन एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वित्त पोषित किया और सिल्वर पिक्चर्स के साथ सहनिर्मित किया। जटिल लड़ाई दृश्यों को कोरियोग्राफ किया जिसमें अर्निस्ट की फिलिप क्वीनो मार्शल आर्ट शामिल है। वाशिंगटन ने अपनी भूमिका के लिए डेन इनोसेंडो और इमांडा के साथ महीने तक प्रशिक्षण लिया। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 15 जनवरी 2010 में सिनेमाघर में एली की पुस्तक जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का संचालन समिट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता था। सोनी पिक्चर रिलीजिंग इंटरनेशनल द्वारा बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वितरण किया जाता था। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 15 जून 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में होम मीडिया डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर रिलीज की गई थी। तो चलिए फिर इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में
हम जान लेते हैं। बॉक्स ऑफिस, यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में 15 जनवरी 2010 को 3,111 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसके शुरुआती दिन में प्रति थिएटर में 11,6,72,970 डॉलर से 3,752 डॉलर की कमाई हुई। अपने शुरुआती 4 दिवसीय अवकाश सप्ताह के अंत तक इसने प्रति थिएटर में 38,47,553 डॉलर से 12,355 डॉलर की कमाई की। यह अवतार के बाद दूसरे नंबर पर है। अपने दूसरे सप्ताह में यह लीजन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है। प्रति थिएटर में 15,07,32,493 से 5,557 डॉलर की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह तक यह गिरकर 5वें नंबर पर आ गए और प्रति थिएटर में 8,09,08,286 डॉलर से 2,897 डॉलर की कमाई हुई। फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 94,08,35,059 डॉलर में और अन्य बाजारों में 62,56,659 डॉलर की कमाई की है। साथ ही दुनिया भर में 80 मिलियन डॉलर की अनुमानित बजट से अधिक 1,57,91,718 डॉलर की कमाई की है। आलोचनात्मक सक्रियता, समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज को रिपोर्ट है कि 210 आलोचकों में से 47% ने फिल्म के सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.50 रेटिंग है। साइट की आम सहमति यह है कि यह निश्चित रूप से आसमान है और कई दर्शकों को लोग लगेगा कि इसकी पहुंच इसकी समझ से अधिक है। लेकिन द बुक ऑफ एली में यूजर्स बंधुओं ने कुछ ताज़ा स्टाइलिश मनोरंजन को पोस्ट एपोकैलिप्टिक सेप्टिक बंजर भूमि लिख फिल्म देखने वाले को लिए पर्याप्त से अधिक देखा है। हाल ही में 33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेट्राक्रिटिक एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर ने फिल्म को 100 में से 53 का प्रभावी औसत स्कोर दिया है, जो मिश्रित औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डेंजल वाशिंगटन एज ई एली के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज बिल कार्नेज के रूप में, मिल कॉनिस एज सोलारा के रूप में, रे स्टीवेंसन एज रेडरिज के रूप में, जेनिफर बेल्स एज क्लोडिया के रूप में, इवन जॉन्स एज मार्च के रूप में, जो पिंग्यू एज होइट के रूप में, फ्रांसिस जिले टावर एज मार्था के रूप में, माइकल कैम्बॉन एज ग्रोज के रूप में, टॉम वाइट्स एज इंजीनियर के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग एज हाईजेक लीडर के रूप में, मालकॉम एम्सिडॉल एज लैम्बोर्डी के रूप में अनक्रेडिटेड। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं द हगस ब्रदर, लिखे हैं गैरी विटा और प्रोड्यूस किए हैं जोएल सिल्वर, डेंजल वाशिंगटन, ब्रॉडरिक जॉनसन, एंड्रयू अकोशोव, डेविड वेल्डर्स और इसे स्टारिंग दी डेंजल वाशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला क्यूनियस, रे स्टीवेंसन, जेनिफर बेल्स, फ्रांसिस डी लिटॉर, माइकल गैम्बोर्न। इसे सिनेमाटोग्राफी दी है डॉन ब्रूगेस और इसे डायरेक्ट किए हैं शिंडली मोलो और इसे म्यूजिक दी है एंटिकस रोज, लियोपोल्ड रोज, क्लोडिया सर्म ने और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है एल्कॉन एंटरटेनमेंट सिल्वर पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर नॉर्थ अमेरिका, सुमित एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा January 15, 2010। रनिंग टाइम है 118 मिनट और ये बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है, जिसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157.1 मिलियन। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर में, रिश्तेदारों के साथ। उससे हमारी वीडियो का रीच बढ़ेगा और रीच बढ़ेगा तो इंप्रेशन बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा व्यू बढ़ेगा आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।
हेलो फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम आपको द बुक ऑफ एली मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2010 की अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्टिक न्यू वेस्टर्न एक्शन फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। मई 2007 में कोलंबिया पिक्चर और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ने गैरी वीट की पटकथा पर आधारित द बुक ऑफ एली का निर्देशन करने के लिए ह्यूजर्स बंधुओं के साथ अनुबंध किया। इसके बाद एंथोनी पेकहम ने पटकथा दोबारा लिखी और सितंबर 2008 में डेजल वाशिंगटन को मुख्य भूमिका मिली। अगले अक्टूबर में गैरी ओल्डमैन को वाशिंगटन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2009 में शुरू हुई और न्यू मैक्सिको में हुई। एल्कॉन एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वित्त पोषित किया और सिल्वर पिक्चर्स के साथ निर्मित किया। जटिल लड़ाई दृश्यों को कोरियोग्राफ किया जिसमें अर्निस्ट की फिलिपिनो मार्शल आर्ट शामिल है। वाशिंगटन ने अपनी भूमिका के लिए डेन इनोशेडो और इमांडा के साथ महीने तक प्रशिक्षण लिया। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 15 जनवरी 2010 में सिनेमाघर में एली की पुस्तक जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का संचालन समिट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता था। सोनी पिक्चर रिलीजिंग इंटरनेशनल द्वारा बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वितरण किया जाता था। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 15 जून 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में होम मीडिया डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर रिलीज की गई थी। तो चलिए फिर इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। बॉक्स ऑफिस, यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में 15 जनवरी 2010 को 3,111 सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके शुरुआती दिन में प्रति थिएटर में 11,06,72,970 डॉलर से 3,752 डॉलर की कमाई हुई। अपने शुरुआती 4 दिवसीय अवकाश सप्ताह के अंत तक इसने प्रति थिएटर में 38,47,553 डॉलर से 12,355 डॉलर की कमाई की। यह अवतार के बाद दूसरे नंबर पर है। अपने दूसरे सप्ताह में यह लीजन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है। प्रति थिएटर में 15,07,32,493 से 5,557 डॉलर की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह तक यह गिरकर 5वें नंबर पर आ गए और प्रति थिएटर में 8,09,08,286 डॉलर से 2,897 डॉलर की कमाई हुई। फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 94,08,35,059 डॉलर और अन्य बाज़ारों में 62,56,669 डॉलर की कमाई की है। साथ ही दुनिया भर में 80 मिलियन डॉलर की अनुमानित बजट से अधिक 1,57,91,718 डॉलर की कमाई की है। आलोचनात्मक स्वीकार्यता, समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज को रिपोर्ट है कि 210 आलोचकों में से 47% ने फिल्म के सकारात्मक समीक्षा दी है जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.50 रेटिंग है। साइट की आम सहमति यह है कि यह निश्चित रूप से आसमान है और कई दर्शकों को लोग लगेगा कि इसकी पहुंच इसकी समझ से अधिक है। लेकिन द बुक ऑफ एली में यूजर्स बंधुओं ने कुछ ताज़ा स्टाइलिश मनोरंजन को पोस्ट एपोक्लिप लिक सेप्टिक बंजर भूमि लिख फिल्म देखने वाले को भी पर्याप्त से अधिक देखा है। हाल ही में 33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेट्राक्रिटिक एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर ने फिल्म को 100 में से 53 का प्रभावी औसत स्कोर दिया है जो मिश्रित औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं।
डेंजल वाशिंगटन एज ई एली के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज बिल कार्नेज के रूप में, मिल कॉनिस एज सोलारा के रूप में, रे स्टीवेंसन एज रेडरिज के रूप में, जेनिफर वेल्स एज क्लोडिया के रूप में, इवेन जॉन्स एज मार्च के रूप में, जो पिंगव्यू एज व्हाइट के रूप में, फ्रांसिस जिले टावर एज मार्था के रूप में, माइकल कैम्बॉन एज ग्रोज के रूप में, टॉम वाइट्स एज इंजीनियर के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग एज हाईजैक लीडर के रूप में, मालकॉम एम्सीडॉल एज लैम्बोर्डी के रूप में अनक्रेडिटेड। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं द हजर्स ब्रदर, लिखे हैं गैरी वीटा और प्रोड्यूस किए हैं जोएल सिल्वर, डेंजल वाशिंगटन, ब्रॉडरिक जॉनसन, एंड्रयू कोशोव, डेविड वेल्डर्स। और इसे स्टारिंग दी डेंजल वाशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला कुनियस, रे स्टीवेंसन, जेनिफर बेल्स, फ्रांसिस डी लिटॉर, माइकल गैम्बॉन। इसे सिनेमाटोग्राफी दी है डॉन ब्रूगेस और इसे डायरेक्ट किए हैं शिंडली मॉलो और इसे म्यूजिक दिए हैं एंटिकस रोज, लियोपोल्ड रोज, क्लोडिया सर्म ने, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है एलकॉन एंटरटेनमेंट सिल्वर पिक्चर, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर नॉर्थ अमेरिका, सुमित एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल, और इसका रिलीज डेट रहा January 15, 2010। रनिंग टाइम है 118 मिनट और ये में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157.1 मिलियन। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर में, रिश्तेदारों के साथ, उससे हमारी वीडियो का रीच बढ़ेगा, रीच बढ़ेगा तो इंप्रेशन बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा व्यू बढ़ेगा आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको द बुक ऑफ एली मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2010 की अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्टिक न्यू वेस्टर्न एक्शन फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड्स इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। मई 2007 में कोलंबिया पिक्चर और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ने गैरी वीट की पटकथा पर आधारित द बुक ऑफ एली का निर्देशन करने के लिए ह्यूजर्स बंधुओं के साथ अनुबंध किया। इसके बाद एंथोनी पेकहम ने पटकथा दोबारा लिखी और September 2008 में डेंजल वाशिंगटन को मुख्य भूमिका मिली। अगले अक्टूबर में गैरी ओल्डमैन को वाशिंगटन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2009 में शुरू हुई और न्यू मैक्सिको में हुई। एलकॉन एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वित्त पोषित किया और सिल्वर पिक्चर्स के साथ सहनिर्मित किया। जिम द इमाडा ने जटिल लड़ाई दृश्यों को कोरियोग्राफ किया जिसमें अर्निस्ट की फिलिप क्वीनो मार्शल आर्ट शामिल है। वाशिंगटन ने अपनी भूमिका के लिए डेन इनोसेंडो और इमांडा के साथ महीने तक प्रशिक्षण लिया। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 15 जनवरी 2010 में सिनेमाघर में एली की पुस्तक जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का संचालन समिट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता था। सोनी पिक्चर रिलीजिंग इंटरनेशनल द्वारा बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वितरण किया जाता था। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 15 जून 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में होम मीडिया डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर रिलीज की गई थी। तो चलिए फिर इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। बॉक्स ऑफिस, यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में 15 जनवरी 2010 को 3,111 सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके शुरुआती दिन में प्रति थिएटर में 11,6,72,970 डॉलर से $3,752 की कमाई हुई। अपने शुरुआती 4 दिवसीय अवकाश सप्ताह के अंत तक इसने प्रति थिएटर में 38,04,37,553 डॉलर से $12,355 की कमाई की। यह अवतार के बाद दूसरे नंबर पर है। अपने दूसरे सप्ताह में यह लीजन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है। प्रति थिएटर में 15,07,32,493 से $5,557 की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह तक यह गिरकर 5वें नंबर पर आ गए और प्रति थिएटर में 8,09,08,286 डॉलर से
$2,897 की कमाई हुई। फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 94,08,35,059 और अन्य बाजारों में 62,56,656 की कमाई की है। साथ ही दुनिया भर में $80 मिलियन की अनुमानित बजट से अधिक 1,57,91,718 की कमाई की है। आलोचनात्मक सक्रियता। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज को रिपोर्ट है कि 210 आलोचकों में से 47% ने फिल्म के सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.50 रेटिंग है। साइट की आम सहमति यह है कि यह निश्चित रूप से आसमान है और कई दर्शकों को लोग लगेगा कि इसकी पहुंच इसकी समझ से अधिक है। लेकिन द बुक ऑफ एली में यूजर्स बंधुओं ने कुछ ताज़ा स्टाइलिश मनोरंजन को पोस्ट एपोकैलिप्टिक सेप्टिक बंजर भूमि लिख फिल्म देखने वाले को भी पर्याप्त से अधिक देखा है। हाल ही में 33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेट्राक्रिटिक एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर ने फिल्म को 100 में से 53 का प्रभावी औसत स्कोर दिया है, जो मिश्रित औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डेंजल वाशिंगटन एज ई एली के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज बिल कार्नियज के रूप में, मिल कॉनिस एज लारा के रूप में, रे स्टीवेंसन एज रेडरिज के रूप में, जेनिफर बेल्स एज क्लोडिया के रूप में, इवन जॉन्स एज मार्च के रूप में, जो पिंग्यू एज होइट के रूप में, फ्रांसिस जिले टावर एज मार्था के रूप में, माइकल कैम्बॉन एज ग्रोज के रूप में, टॉम वाइट्स एज इंजीनियर के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग एज हाईजैक लीडर के रूप में, मालकॉम एम्सिडॉल एज लैम्बोर्डी के रूप में अनक्रेडिटेड। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं द हगस ब्रदर, लिखे हैं गैरी विटा और प्रोड्यूस किए हैं जोएल सिल्वर, डेंजल वाशिंगटन, ब्रॉडरिक जॉनसन, एंड्रयू कोशोव, डेविड वेल्डर्स और इसे स्टारिंग दी डेंजल वाशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला क्यूनियस, रे स्टीवेंसन, जेनिफर बेल्स, फ्रांसिस डी लिटॉर, माइकल गैम्बोर्न। इसे सिनेमाटोग्राफी दी है डॉन ब्रूगेस और इसे डायरेक्ट किए हैं शिंडली मोलो और इसे म्यूजिक दिए हैं एंटिकस रोज, लियोपोल्ड रोज, क्लोडियस सर्म ने और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है एलकॉन एंटरटेनमेंट सिल्वर पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर नॉर्थ अमेरिका, सुमित एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा January 15, 2010। रनिंग टाइम है 118 मिनट और ये में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है, जिसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157.1 मिलियन। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर में, रिश्तेदारों के साथ, उससे हमारी वीडियो का रीच बढ़ेगा और रीच बढ़ेगा तो इंप्रेशन बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा व्यू बढ़ेगा आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको द बुक ऑफ एली मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2010 की अमेरिकन पोस्ट एपोकैलिप्टिक न्यू वेस्टर्न एक्शन फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। मई 2007 में कोलंबिया पिक्चर और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ने गैरी विट की पटकथा पर आधारित द बुक ऑफ एली का निर्देशन करने के लिए ह्यूजर्स बंधुओं के साथ अनुबंध किया। इसके बाद एंथोनी पेखम ने पटकथा दोबारा लिखी और September 2008 में डेजल वाशिंगटन को मुख्य भूमिका मिली। अगले अक्टूबर में गैरी ओल्डमैन को वाशिंगटन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। प्रमुख फोटोग्राफी February 2009 में शुरू हुई और न्यू मैक्सिको में हुई। एलकॉन एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वित्त पोषित किया और सिल्वर पिक्चर्स के साथ निर्मित किया। जटिल लड़ाई दृश्यों को कोरियोग्राफ किया, जिसमें अर्निस्ट की फिलिपिनो मार्शल आर्ट शामिल है। वाशिंगटन ने अपनी भूमिका के लिए डेन
इनोसेंडो और इमांडा के साथ महीने तक प्रशिक्षण लिया। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 15 जनवरी 2010 में सिनेमाघर में एली की पुस्तक जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का संचालन समिट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता था। सोनी पिक्चर रिलीजिंग इंटरनेशनल द्वारा बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वितरण किया जाता था। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 15 जून 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में होम मीडिया डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर रिलीज की गई थी। तो चलिए फिर इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। बॉक्स ऑफिस, यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में 15 जनवरी 2010 को 3,111 सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके शुरुआती दिन में प्रति थिएटर में 11,06,72,970 डॉलर से 3,752 डॉलर की कमाई हुई। अपने शुरुआती 4 दिवसीय अवकाश सप्ताह के अंत तक इसने प्रति थिएटर में 38,04,37,553 डॉलर से 12,355 डॉलर की कमाई की। यह अवतार के बाद दूसरे नंबर पर है। अपने दूसरे सप्ताह में यह लीजन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है। प्रति थिएटर में 15,07,32,493 से 5,557 डॉलर की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह तक यह गिरकर 5वें नंबर पर आ गए और प्रति थिएटर में 8,09,08,286 डॉलर से 2,897 डॉलर की कमाई हुई। फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 94,08,35,059 डॉलर में और अन्य बाज़ारों में 62,56,669 डॉलर की कमाई की है। साथ ही दुनिया भर में 80 मिलियन डॉलर की अनुमानित बजट से अधिक 1,57,91,718 की डॉलर की कमाई की है। आलोचनात्मक सक्रियता, समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज को रिपोर्ट है कि 210 आलोचकों में से 47% ने फिल्म के सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.50 रेटिंग है। साइट की आम सहमति यह है कि यह निश्चित रूप से आसमान है और कई दर्शकों को लोग लगेगा कि इसकी पहुंच इसकी समझ से अधिक है। लेकिन द बुक ऑफ एली में ह्यूजेस बंधुओं ने कुछ ताज़ा स्टाइलिश मनोरंजन को पोस्ट एपोकलिप्टिक सेप्टिक बंजर भूमि लिख फिल्म देखने वाले को भी पर्याप्त से अधिक देखा है। हाल ही में 33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेट्राक्रिटिक एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर ने फिल्म को 100 में से 53 का प्रभावी औसत स्कोर दिया है, जो मिश्रित औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डेंजल वाशिंगटन एज ई एली के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज बिल कार्नेज के रूप में, मिल कॉनिस एज सोलारा के रूप में, रे स्टीवेंसन एज रेडरिज के रूप में, जेनिफर बेल्स एज क्लोडिया के रूप में, इवन जॉन्स एज मार्च के रूप में, जो पिंग्यू एज होइट के रूप में, फ्रांसिस जिले टावर एज मार्था के रूप में, माइकल कैम्बॉन एज ग्रोज के रूप में, टॉम वाइट्स एज इंजीनियर के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग एज हाईजेक लीडर के रूप में, मालकॉम एम्सिडोर एज लैम्बोर्डी के रूप में अनक्रेडिटेड। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं द हजस ब्रदर, लिखे हैं गैरी विटा और प्रोड्यूस किए जोएल सिल्वर, डेंजल वाशिंगटन, ब्रॉडरिक जॉनसन, एंड्रयू कोशोव,
डेविड वेल्डर्स, और इसे स्टारिंग थी डेंजल वाशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला क्यूनियस, रे स्टीवनसन, जेनिफर बेयर्स, फ्रांसिस डी लिटॉर, माइकल गैम्बोर्न। इसे सिनेमाटोग्राफी दी है डॉन ब्रूगेस, और इसे डायरेक्ट किए हैं शिंडली मॉलो, और इसे म्यूजिक दी है एंटिकस रोज, लियोपोल्ड रोज, क्लोडिया सर्म ने, और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है एलकॉन एंटरटेनमेंट सिल्वर पिक्चर, और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया वार्नर ब्रदर्स पिक्चर नॉर्थ अमेरिका, सुमित इंटरटेनमेंट इंटरनेशनल, और इसका रिलीज डेट रहा January 15, 2010। रनिंग टाइम है 118 मिनट, और ये बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसका बजट है $80 मिलियन, और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157.1 मिलियन। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर में, रिश्तेदारों के साथ, उससे हमारी वीडियो का रीच बढ़ेगा, और रीच बढ़ेगा तो इंप्रेशन बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा व्यू बढ़ेगा आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको द बुक ऑफ एली मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2010 की अमेरिकन पोस्ट एपोकलिप्टिक न्यू वेस्टर्न एक्शन फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड, इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। मई 2007 में कोलंबिया पिक्चर और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ने गैरी वीट की पटकथा पर आधारित द बुक ऑफ एली का निर्देशन करने के लिए ह्यूजर्स बंधुओं के साथ अनुबंध किया। इसके बाद एंथोनी पेकहम ने पटकथा दोबारा लिखी, और सितंबर 2008 में डेजल वाशिंगटन को मुख्य भूमिका मिली। अगले अक्टूबर में गैरी ओल्डमैन को वाशिंगटन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2009 में शुरू हुई और न्यू मैक्सिको में हुई। एलकॉन एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वित्त पोषित किया और सिल्वर पिक्चर्स के साथ निर्मित किया। जटिल लड़ाई दृश्यों को कोरियोग्राफ किया, जिसमें अर्निस्ट की फिलिपिनो मार्शल आर्ट शामिल है। वाशिंगटन ने अपनी भूमिका के लिए डेन इनोसेंडो और इमांडा के साथ महीने तक प्रशिक्षण लिया। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 15 जनवरी 2010 में सिनेमाघर में एली की पुस्तक जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का संचालन समिट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता था। सोनी पिक्चर रिलीजिंग इंटरनेशनल द्वारा बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वितरण किया जाता था। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 15 जून 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में होम मीडिया डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर रिलीज की गई थी। तो चलिए फिर इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में हम जान लेते हैं। बॉक्स ऑफिस, यह फिल्म उत्तरी अमेरिका में 15 जनवरी 2010 को 3,111 सिनेमाघर में रिलीज हुई। इसके शुरुआती दिन में प्रति थिएटर में 11,6,72,970 डॉलर से $3,752 की डॉलर की कमाई हुई। अपने शुरुआती 4 दिवसीय अवकाश सप्ताह के अंत तक इसने प्रति थिएटर में 38,47,553 डॉलर से $12,355 डॉलर की कमाई की। यह अवतार के बाद दूसरे नंबर पर है। अपने दूसरे सप्ताह में यह लीजन के साथ तीसरे स्थान पर रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है। प्रति थिएटर में 15,07,32,493 से 5,557 डॉलर की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह तक यह गिरकर पांचवें नंबर पर आ गए और प्रति थिएटर में 8,09,08,286 डॉलर से 2,897 डॉलर की कमाई हुई। फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 94,08,35,059 डॉलर में और अन्य बाजारों में 62,56,659 डॉलर की कमाई की है। साथ ही दुनिया भर में 80 मिलियन डॉलर की अनुमानित बजट से अधिक 1,57,91,718 की डॉलर की कमाई की है। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया, समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज को रिपोर्ट है कि 210 आलोचकों में से 47% ने फिल्म के सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.5
5.0 रेटिंग है। साइट की आम सहमति यह है कि यह निश्चित रूप से आसमान है और कई दर्शकों को लोग लगेगा कि इसकी पहुंच इसकी समझ से अधिक है। लेकिन द बुक ऑफ एली में यूजर्स बंधुओं ने कुछ ताज़ा स्टाइलिश मनोरंजन को पोस्ट एपोकैलिप्टिक सेप्टिक बंजर भूमि लिख फिल्म देखने वाले को भी पर्याप्त से अधिक देखा है। हाल ही में 33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेट्राक्रिटिक एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर ने फिल्म को 100 में से 53 का प्रभावी औसत स्कोर दिया है, जो मिश्रित औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डेंजल वाशिंगटन एज एली के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज बिल कार्नेज के रूप में, मिल कॉनिस एज लारा के रूप में, रे स्टीवेंसन एज रेडरिज के रूप में, जेनिफर वेल्स एज क्लोडिया के रूप में, इवन जॉन्स एज मार्च के रूप में, जो पिंग्यू एज होइट के रूप में, फ्रांसिस जिले टावर एज मार्था के रूप में, माइकल कैम्बॉन एज ग्रोज के रूप में, टॉम वेट्स एज इंजीनियर के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग एज हाईजैक लीडर के रूप में, मालकॉम एम्सिडॉल एज लैम्बोर्डी के रूप में अनक्रेडिटेड। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं द हगस ब्रदर, लिखे हैं गैरी वीटा और इसे प्रोड्यूस किए हैं जोएल सिल्वर, डेंजल वाशिंगटन, ब्रॉडरिक जॉनसन, एंड्रयू कोशोव, डेविड वेल्डर्स और इसे स्टारिंग दी डेंजल वाशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला क्यूनियस, रे स्टीवेंसन, जेनिफर बेल्स, फ्रांसिस डी लिटॉर, माइकल गैम्बॉन। इसे सिनेमाटोग्राफी दी है डॉन ब्रूगेस और इसे डायरेक्ट किए हैं शिंडली मॉलो और इसे म्यूजिक दिए हैं एंटिकस रोज, लियोपोल्ड रोज, क्लोडियस सर्म ने और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है एल्कॉन एंटरटेनमेंट सिल्वर पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर नॉर्थ अमेरिका, सुमित एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा January 15, 2010। रनिंग टाइम है 118 मिनट और ये में बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है जिसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157.1 मिलियन। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं, वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर में, रिश्तेदारों के साथ, उससे हमारी वीडियो का रीच बढ़ेगा तो इंप्रेशन बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा व्यू आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम आपको द बुक ऑफ एली मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये 2010 की अमेरिकन पोस्ट एपोकैलिप्टिक न्यू वेस्टर्न एक्शन फिल्म है। तो चलिए फ्रेंड इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। मई 2007 में कोलंबिया पिक्चर और वार्नर ब्रदर्स पिक्चर ने गैरी वीट की पटकथा पर आधारित द बुक ऑफ एली का निर्देशन करने के लिए ह्यूजर्स बंधुओं के साथ अनुबंध किया। इसके बाद एंथोनी पेकहम ने पटकथा दोबारा लिखी और सितंबर 2008 में डेंजल वाशिंगटन को मुख्य भूमिका मिली। अगले अक्टूबर में गैरी ओल्डमैन को वाशिंगटन के साथ अभिनय करने के लिए चुना गया। प्रमुख फोटोग्राफी फरवरी 2009 में शुरू हुई और न्यू मैक्सिको में हुई। एल्कॉन एंटरटेनमेंट ने फिल्म को वित्त पोषित किया और सिल्वर पिक्चर्स के साथ सहनिर्मित किया। जटिल लड़ाई दृश्यों को कोरियोग्राफ किया जिसमें अर्निस्ट की फिलिप क्वीनो मार्शल आर्ट शामिल है। वाशिंगटन ने अपनी भूमिका के लिए डेन इनोसेंडो और इमांडा के साथ महीने तक प्रशिक्षण लिया। तो चलिए फिर इस मूवी के रिलीज के बारे में हम जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा 15 जनवरी 2010 में सिनेमाघर में एली की पुस्तक जारी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का संचालन समिट एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाता था। सोनी पिक्चर रिलीजिंग इंटरनेशनल द्वारा बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वितरण किया जाता था। यह फिल्म वार्नर ब्रदर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 15 जून 2010 को संयुक्त राज्य अमेरिका में होम मीडिया डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर रिलीज की गई थी। तो चलिए फिर इस मूवी के रिसेप्शन के बारे में
हम जान लेते हैं बॉक्स ऑफिस। यह फिल्म 3 अमेरिका में 15 जनवरी 2010 को 3111 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इसके शुरुआती दिन में प्रति थिएटर में 11,6,72,970 डॉलर से 3,752 डॉलर की कमाई हुई। अपने शुरुआती 4 दिवसीय अवकाश सप्ताह के अंत तक इसने प्रति थिएटर में 38,47,553 डॉलर से 12,355 डॉलर की कमाई की। यह अवतार के बाद दूसरे नंबर पर है। अपने दूसरे सप्ताह में यह लीजेंड के साथ तीसरे स्थान पर रहा है और दूसरे नंबर पर रहा है। प्रति थिएटर में 15,07,32,493 से 5,557 डॉलर की कमाई की। अपने तीसरे सप्ताह तक यह गिरकर 5वें नंबर पर आ गए और प्रति थिएटर में 8,09,08,286 डॉलर से 2,897 डॉलर की कमाई हुई। फिल्म में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 94,08,35,059 डॉलर में और अन्य बाजारों में 62,56,659 डॉलर की कमाई की है। साथ ही दुनिया भर में 80 मिलियन डॉलर की अनुमानित बजट से अधिक 1,57,91,718 की डॉलर की कमाई की है। आलोचनात्मक स्वीकृति। समीक्षा एग्रीगेटर रॉटन टोमेटोज को रिपोर्ट है कि 210 आलोचकों में से 47% ने फिल्म के सकारात्मक समीक्षा दी है, जिसकी औसत रेटिंग 10 में से 5.50 रेटिंग है। साइट की आम सहमति यह है कि यह निश्चित रूप से आसमान है और कई दर्शकों को लोग लगेगा कि इसकी पहुंच इसकी समझ से अधिक है। लेकिन द बुक ऑफ एली में यूजर्स बंधुओं ने कुछ ताज़ा स्टाइलिश मनोरंजन को पोस्ट एपोकैलिप्टिक सेप्टिक बंजर भूमि लिख फिल्म देखने वाले को पर्याप्त से अधिक देखा है। हाल ही में 33 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर मेट्राक्रिटिक एक अन्य समीक्षा एग्रीगेटर ने फिल्म को 100 में से 53 का प्रभावी औसत स्कोर दिया है, जो मिश्रित औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वश्रेष्ठ में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया है। तो चलिए फिर इस मूवी के कास्ट के बारे में जान लेते हैं। डेंजल वाशिंगटन एज ई एली के रूप में, गैरी ओल्डमैन एज बिल कार्नियज के रूप में, मिल कॉनिस एज सोलारा के रूप में, रे स्टीवेंसन एज रेडरिज के रूप में, जेनिफर बेल्स एज क्लोडिया के रूप में, इवन जॉन्स एज मार्च के रूप में, जो पिंग्यू एज होइट के रूप में, फ्रांसिस जिले टावर एज मार्था के रूप में, माइकल कैम्बॉन एज ग्रोज के रूप में, टॉम वाइट्स एज इंजीनियर के रूप में, क्रिस ब्राउनिंग एज हाईजेक लीडर के रूप में, मालकॉम एम्सिडॉल एज लैम्बोर्डी के रूप में अनक्रेडिटेड। इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं द हजस ब्रदर, लिखे हैं गैरी विटा और प्रोड्यूस किए हैं जोएल सिल्वर, डेंजल वाशिंगटन, ब्रॉडरिक जॉनसन, एंड्रयू अकोशोव, डेविड वेल्डर्स और इसे स्टारिंग दी डेंजल वाशिंगटन, गैरी ओल्डमैन, मिला क्यूनियस, रे स्टीवेंसन, जेनिफर बेल्स, फ्रांसिस डी लिटॉर, माइकल गैम्बॉन। इसे सिनेमाटोग्राफी दी है डॉन ब्रूगेस और इसे डायरेक्ट किए हैं शिंडली मॉलो और इसे म्यूजिक दी है एंटिकस रोज, लियोपोल्ड रोज, क्लोडिया सर्म ने और इसकी प्रोडक्शन कंपनी है एल्कॉन एंटरटेनमेंट सिल्वर पिक्चर और इसे डिस्ट्रीब्यूट किए वार्नर ब्रदर्स पिक्चर नॉर्थ अमेरिका, सुमित एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल और इसका रिलीज डेट रहा January 15, 2010। रनिंग टाइम है 118 मिनट और ये बनी हुई इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है, जिसका बजट है $80 मिलियन और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है $157.1 मिलियन। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लग रही है इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर में, रिश्तेदारों के साथ। उससे हमारी वीडियो का रीच बढ़ेगा, इंप्रेशन बढ़ेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा व्यू बढ़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।